दोस्तों, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुंभ राशि के जातक और जातिकाओं की किस्मत में क्या है खास इस महीने जून 2020 में, और लास्ट में बताएंगे अधिक सफलता के लिए उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप देख रहे हैं RRJEE पामिस्ट्री शो और मैं हूं आपके साथ RRJEE कुशवाहा। तो चलिए बिना देर के वे शुरू करते हैं। दोस्तों, इस महीने जून 2020 में कुंभ राशि के जातकों को काफी ज्यादा लाभ होने वाला है, लेकिन आपको अत्यधिक सोचने की आदत से थोड़ा परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको सता सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो जून में सामान्य तौर पर चलता रहेगा आपका फैमिली की बात, और दोस्तों इस दौरान आपको संतान से संबंधित आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस महीने आपके खर्चे काफी बढ़े चढ़े होंगे, जिन्हें आपको नियंत्रण करने के लिए काफी जरूरत पड़ सकता है। जून के महीने में आपकी राशि में उपस्थित मंगल आपको प्रभावी बनाने के साथ साथ आपको गुस्से वाला भी बनाने में सहयोग रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ा संभल कर चलें और अपने गुस्सा को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। और दोस्तों, इस दौरान कुंभ बालों को वाहन की प्राप्ति होने की योग बन रही है। अगर हम बात करें दोस्तों विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों की बात की जाए तो इस महीने कुंभ राशि के विद्यार्थियों को काफी अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। अगर हम बात करें दोस्तों उपाय की, तो इस महीने जून 2020 में अधिक सफलता के लिए भगवान भैरवनाथ की उपासना करें, और साथ ही दोस्तों रविवार के दिन भैरव मंदिर जाकर के दूध अर्पित करें, इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपके लिए स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। अगर आप शनिवार के दिन शनि देव की पूजा अर्चना करेंगे तो आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगी। आपके लिए शुभ दिन मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार है। इस दिन आप कुछ मांगलिक कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगी। दोस्तों, आपके लिए शुभ रंग जो है नीला, हरा और बैंगनी कलर है। इस कलर के वस्त्र को आप धारण करेंगे या कुछ मांगलिक कार्य में उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगी। आपके लिए दोस्तों शुभ अंक 4, 8, 13 और 17 है। इस अंक के साथ आप अच्छे कार्य करेंगे या अच्छे जगह उपयोग करेंगे इस अंक को, तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपके लिए शुभ रत्न हीरा और नीलम है। इस रत्न को आप धारण करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।